खिलाफकारियों पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नरेंद्र मोदी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, वरना गद्दी छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह के निलंबन के बाद उन्हें विपक्ष का समर्थन मिलता दिख रहा है। संजय को निलंबित किए जाने के विरोध में सोमवार को पूरी रात विपक्ष के सांसदों ने संसद भवन परिसर में धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि मणिपुर में दो महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी के मुद्दे पर सोमवार को संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे के दौरान आप सांसद संजय सिंह ने वेल में राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की कुर्सी के सामने पहुंचकर विरोध किया। वह धनखड़ को हाथ दिखाकर कुछ बोल रहे थे। उनकी इस एक्टिविटी के बाद उन्हें पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। संजय सिंह पर हुई कार्रवाई के विरोध में सांसदों ने संसद के बाहर धरना दे दिया। इस प्रदर्शन में आप सांसद संजय सिंह, संदीप पाठक और सुशील गुप्ता के अलावा टीएमसी से डोला सेन और शांता छेत्री, कांग्रेस से इमरान प्रताप गढ़ी, अमी बेन और जेबी माथिर, सीपीएम से विनोय विश्वम, सीपीआई से राजीव के अलावा बीआरएस नेता भी शामिल हुए। न्यूज एजेंसी से बातचीत में संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री को ट्रेनों की हरी झंडी दिखाने के लिए समय रहता है, उद्घाटन करने का समय रहता है, लेकिन मणिपुर पर संसद में बोलने के लिए समय नहीं है। पूरा विपक्ष यह मांग करता है कि प्रधानमंत्री संसद में बोले। उन्होंने कहा कि वह तब तक धरने में बैठे रहेंगे जब तक उनका निलंबन वापस नहीं होता। सोमवार को संसद में हुई कार्यवाही के दौरान सदन के नेता पीयूष गोयल आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए। उन्होंने कहा, संजय सिंह की इस तरह की हरकत सही नहीं है, ये सदन के नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा, मैं सभापति से अपील करता हूं कि वे संजय सिंह के खिलाफ कार्यवाही करें। उन्होंने कहा, सरकार संजय सिंह के सस्पेंशन के लिए प्रस्ताव लाती है कि उन्हें पूरे मॉनसून सत्र के लिए सस्पेंड किया जाए। इस पर सभापति ने कहा कि आप प्रस्ताव लाएं। इसके बाद गोयल ने कहा कि वह प्रस्ताव ला रहे हैं कि संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाए। इस प्रस्ताव पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, संजय सिंह को आसन के खिलाफ लगातार नियमों का उल्लंघन करने के लिए मानसून सत्र के बाकी की बची अवधि के लिए भी सस्पेंड किया जाता है, क्या सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है? इस पर सत्ताधारी सांसदों ने कहा हाँ, और ध्वनि मत से ये प्रस्ताव पारित हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।